हेलो गाइस, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। मैं गुवाहाटी में हूँ और बहुत दिन के बाद आज मैं एक ब्लॉग बनाने के लिए निकला हूँ यहाँ पे। यह है सिग्नेचर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, जो कि ब्यूटी और मेकअप इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और गुवाहाटी का एक नाम चला हुआ इंस्टीट्यूट है, जिसका आज हम पर्दाफाश करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है सिग्नेचर इंस्टीट्यूट में, जिसके वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस है। चलो, है मधुमिता से किया, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान रखती है। फेंचुई के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उन्होंने देश विदेश में हर जगह पे ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी है। तो ये भी देखो, एंट्रेंस देखो, क्या खूबसूरत सा एंट्रेंस आपको दिख रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया सा एक सिग्नेचर लिखा हुआ है, इस सिग्नेचर का लोगो है और ये है उनका एंट्रेंस, जो गली है। ये हर चीज़ बहुत खूबसूरत इन पर्सनली इनको डेकोर किया गया है, ऐसा लगता है। देखो, यहाँ पे बहुत सारी बुक है, मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना सारा चीज़ आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये मधुमिता पतवर, और ये भी उन्होंने लिखा है मधुमिता सैकिया। आप सोचो, कोई ब्यूटिशियन है जो इतनी सारी किताबें लिखी हैं, अप्रूव्ड किताबें बहुत सारी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर वेटिंग में हो तो ये सारी प्रोडक्ट का ये शोकेस है। यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, जो कि जापान से है, यहाँ पे नहीं है, वो मधुमिता मैम की फोटो है। यहाँ पे मधुमिता सैकिया आयुर्वेद के ऊपर उनका महारत हासिल है, डिप्लोमा इंटरनेशनल डिप्लोमा है इनके पास। अवार्ड है मधुमिता सैकिया इंटरनेशनल इंडिया गोल्डन अचीवर्स, ये इंडियन लेवल में जो कुछ मिनिमम आपको यहाँ पे इंडियन लेवल का ही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये बहुत एक्साइटेड वाला चीज़ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक कूल परिवेश है, यहाँ शांत है, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे ये हाल। चलो, हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। और ये है गली जिससे हम जाएंगे, वहाँ पे है ट्रेनिंग सेंटर, तो फिलहाल हम चलेंगे यहाँ पे। ये है इनका क्लासरूम और यहाँ पे क्लासेस, ये बहुत एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे ये क्लासेस होती है हर दिन, हर रोज़। और यहाँ पे ना क्लासेस जो होती हैं बंग नहीं होती है, बहुत सीरियसली यहाँ पे क्लास किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के बहुत अलग अलग जगह से आकर यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जिससे हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल देख लो कि क्या हो रहा है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे होता क्या है। एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ये सारे जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और इनका फ्यूचर में जाके ये हर कोई एक ब्यूटिशियन बनेगी, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी प्लेसमेंट इनका हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए ना यहाँ पे ये अवेलेबल है। ये है, ये बहुत सारी मशीनें हैं, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन बस ये देख के अच्छा लग रहा है कि क्लासेस बहुत सीरियसली हो रही है। यहाँ पे मेरे पहले से जान पहचान की है, ट्रेनर है, हम उनसे बात करते हैं। नहीं, अब कर लो। ये है अनिमा, ट्रेनर है यहाँ की और बहुत पुरानी है, बहुत एक्सपीरियंस है इनका। अनिमा, आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बता दो कि अभी हो क्या रहा है। वैक्सिंग हो रहा है, तो वैक्सिंग तो थोड़ा अलग टाइप सा होता था, कुछ ऐसा हीटर वीटर होता था, तो अभी मैंने देखा नहीं ये चीज़। नया टेक्निक, अभी ऐसा एक मशीन आ गया, तो नया टेक्निक में नया आ रहा है ऐसा। अच्छा, इससे एक बार करके दिखाओ ना। आपका नाम क्या है? देवजानी। ये अच्छा, मुझे जहाँ तक समझ में आ रही, ये है उसका जेल। जी हाँ, जो रिमूवर जेल होता है। का? अच्छा, पहले इसमें वो होता था, ये इसमें गरम होता था ना, अब इसमें गर्म नहीं है क्या? इसमें गर्म भी नहीं है, इसमें एक मिनिमम टेम्परेचर रहता है, तो जलने का भी चांस नहीं होता है। ये देखो, इसमें बहुत, ऐसे तो वैक्स करने से बहुत दर्द होता है, दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसका रिएक्शन से पता चलेगा। तो हंस रही है उल्टा। চলো ভাল হয় মানে মানে এই আমার কি ভাল পাও মানে এনেকে করে যিমানে পেইনফুল মানে বিউটি একচুয়ালি যিমানে নোমবিলাক হেৰি আহে টেটো বনা জানে ভাল পাওঁ মানুহ লাগে তেতিয়া যেতিয়া ওয়েক্সিং করে চেক চেক মানে শব্দটো আহে আর ফিল ভাল লাগে দুনিয়া एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि वैक्सिंग का मजा क्या है। पाउडर लोगों ने हेडी एस्टिंडल लोगों ने कथा खोलियो मोर क्लाइंट के दुख पाने और टाइम दुनिया के उठी से और ये इधर इंस्टीट्यूट ठीक है। माय गॉड, ये क्या है, बहुत सारी लास्ट पड़ी है, मणिपुर का याद आ गया यार।
यहाँ सिग्नेचर में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, आपको आपको मैंने दिखा दिया है, सर्विसेज भी होती है ऑब्वियसली, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे उनका खुद का प्रोडक्ट है, खुद का ब्रांड है, खुद का ही टैगलाइन है, खुद का ही टैग है। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ जो सिग्नेचर खुद की है। ये देखो बहुत सारी प्रोडक्ट है यहाँ पे, बहुत सारी रेंज देखो आप। ये आप घर पर मंगा भी सकते हो, मतलब मैंने मुझे पता है ये ये होम डिलीवरी करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं लेकिन करते हैं। मैं बाद में आपको जानकारी दे दूंगा इसके ऊपर। आप वीडियो में इसलिए बने रहे, वीडियो देखते रहेगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे करियर के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ, जो कि अभी जिन्होंने सोचा है कि नहीं और नहीं पढ़ना है या फिर कुछ करना है, तो ये एक बहुत बढ़िया सा एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग करना यहाँ पे, और ब्यूटिशियन बनना एक सच में एक फील प्राउड वाला बात है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दो चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे सिग्नेचर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी सिग्नेचर ब्रांडिंग है, ये देखो सिग्नेचर, यहाँ पे भी सिग्नेचर ब्रांडिंग है। सारी चीज़ें लगभग इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बना हुआ है, जो कि हर्बल है, आयुर्वेदिक है, यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने खुद बहुत बार यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आपको अगर ये प्रोडक्ट भी चाहिए होगा ना तो आप पूछो नीचे कमेंट में, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा आपको। ये पकड़ लो, ये 300 का है, तो आपको 25% डिस्काउंट लगा के देख लो, 75% का डिस्काउंट मेरा तरफ से, चलो बहुत बड़ा डिस्काउंट है, 300 में। मधुमिता से क्या, ये एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है, उनका इनका ये सारा सर्टिफिकेशन यहाँ पे इस वॉल में आपको देखने को मिलता है। ये बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे, देखो बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ तो यहाँ पे है, बहुत कुछ यहाँ पे है, जो कि सेडेस्को दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेशन ब्यूटिशियन के ऊपर देती है, उनका उनके तरफ से मधुमिता सैकिया जी को यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है। ब्यूटी थेरेपी डिप्लोमा इंटरनेशनल है ये। बहुत सारी चॉकलेट है, मैं खा लेता हूँ। मैम को मैंने पूछा था चॉकलेट क्यों रखा था, मैंने मैम ने बोला कि मुँह मीठा करने के, तो भाई मेरा मुँह मीठा होना जरूरी है। हबीब नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल की तरफ से ये है, इंटरनेशनल वोमेंस डे की तरफ से इनको मिला है, ये बहुत सारी अवार्ड्स है जो कि इनको मिला है, और ये सारी मधुमिता सैकिया जी को मिला हुआ है। तो मैं कुल मिला के ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे आओगे जहाँ पे एक काबिल ओनर आपको गाइड करेगी, उनका आपको गाइडेंस मिलेगा, सिग्नेचर इंस्टीट्यूट, और ये है गुवाहाटी में। देखो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो है ना, ये आयुर्वेदिक तो है ही, यहाँ पे मैंने बोला है आपको बार बार, कोई केमिकल का यूज़ इन्होंने नहीं किया है, नहीं करते हैं लोग, प्रॉब्लम्स होगी, जो कि आपने मधुमिता मैम की बहुत सारी वीडियोस आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा या फिर अभी देखोगे मेरे कोई वीडियो में, तो आपकी कोई भी समस्या है ना तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, जिसका सोल्यूशन मैं खुद पर्सनली मैम को बता के फ़ोन करके आपके लिए वो स्पेशल जो प्रोडक्ट है वो मंगा लूँगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा या फिर मुझे डीएम करना होगा, मेरा इंस्टाग्राम पे जीतू XLD नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा आपकी परेशानी क्या है, उसके ऊपर मैं मैम से बात करूँगा आपके बिहाफ पे, और मैं आपको मैम को बोलूँगा कि वो सजेस्ट करेगी क्या लेना चाहिए, तो मैम खुद सजेस्ट करेगी, उसके लिए आपको बस उसका वो ऑर्डर प्लेस करना होगा। यहाँ पर मेरे साथ अनिमा है, मैं जाकर डाल दिया, अनिमा है मेरे साथ, और हेलो, हम ये बात करेंगे इसके ऊपर कि रुको मैं एक दो सवाल इनसे जानना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना आपके लिए भी ज़रूरी है वो चीज़। तो मेरा रिक्वेस्ट है सिग्नेचर में क्या क्या होता है? सिग्नेचर में आप कोर्स का बारे में बोल रहे हो? अच्छा, सिग्नेचर में एडवांस ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी कोर्स होता है, मेकअप होता है, हर का भी कोर्स होता है, आयुर्वेदिक स्पा भी होता है, थेरेपिस्ट भी होता है, ट्रीटमेंट का थेरेपिस्ट भी होता है। जैसे कि यहाँ पे लड़के भी बैठे हुए हैं जी, सारे ब्यूटिशियन ही बनेंगे? हाँ जी। कितना पोटेंशियल है ये नोटिस में? तो 100% ही बोल सकती हूँ, पूरा काम आता है, काम आता है सर, दूर दूर से आता है, जैसे यहाँ पर अरुणाचल का है, सिलचौर का है, नलबड़ी का है, नौगांव का है, ये तो रोंगिया का है, आपका बिहार का है, बिहार से भी आया। कितना दिन का क्लास है यहाँ पर? 6 months का होता है, 1 year का होता है, जैसे डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी कोर्स का 1 year का होता है, और 3 months का भी होता है, 6 months का भी होता है। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है, जब ब्यूटी का कोर्स लेके आप खुद भी इनकम कर सकते हो, 10 आदमी को खिला भी सकते हो। ये बात सही है कि लड़कियों के लिए खास करके बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनका मन भी करता है बचपन से, मतलब ये मेकअप वेकअप करना उनको शौक ही रहता है, और उसको अभी प्रोफेशनल वे में करोगे तो पैसा भी कमाओगे, इज्जत भी कमाओगे। जी, इज्जत भी है, बहुत है। इंटर्न हो? हाँ। ओके, आप कहाँ से? धेमाजी? हाँ, असमी से। असमी से बात करते हैं, असमी में बात करते हैं। भाई देखा पा गए सिग्नेचर कितना पास? মোৰ 1 বছৰ হ'ল।
ब्यूटी कोर्स तो मोर कम्प्लीट हल मैं एडवांस ब्यूटी कोर्स लैस एंड एक्टा मोर बी आस मेकअप आस मोर एडवांस हेयर आस आगोटेखिनि करिम मोर टार्गेट कि टार्गेट हल माने मोर हेयरत नाम करा हेयर स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसिंग हेयर ड्रेसिंग बस्तु नोटिस तो बहुत ভাল পটেনশিয়াল আছে আই গেস মানে বিউটিশিয়ান তো অলমান আছে এভেলেবল না এটা হেয়ার ড্রেসার বহুত হেয়ার ড্রেসার তো কম হয় আর মই হেয়ার মানে আগৰ পৰা হৰু পৰা মই ইন্টারেস্ট আছে হেয়ার প্ৰতি আর মই হেয়ারতে যাব বিচাৰো মানে হেয়ার ড্রেসার হিচাপে যো এসে খুদকা হেয়ার বহুত হ্যাঁ আমি এসে বলে বলে বিয়ে বিয়ে করকে ইনকো ইয়ে জো পছন্দ আয়া উনকা উনকো প্রফেশন ও উসনে কিয়া উনকা মন কা জো মন মে জো আয়া উনহোনে কিয়া तो मेरे भाई उन सभी से कहूँगा जो ये सोच रहे हैं कि ये करो ना करो करो ना कन्फ्यूज दुविधा में जो है ना उनसे ये कहूँगा कि यार फैसला कर लो कुछ करना है ना किसी भी प्रोफेशन में घुस जाओ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी में घुसना है लेकिन आप किसी भी प्रोफेशन में घुसो लेकिन उसको ईमानदारी से निभा दो पक्का है डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा सही है और मैं कथा कब मैं सरपा मैं क्लास फाइव सिक्सरप मैं ब्यूटिर प्रति বেছি মানে গুরুত্ব দিছিল আর সেই সময় মধুমিতা মেমর বিস্ময় মায়ার হকি এনেকা মাহেকে আলোচনীবোর সৌন্দর্য চর্চা বলে এটা আসলে আর সেই মানে সরপ্রাই পড়ছিল আর মোৰ এইম আছিল যে মই মধুমিতা মেমর তাত মই শিকিম আর সেই এইমটো লৈ মই কিন্তু বিয়ের লগে পড়লো স্বপ্ন পুরা কর দিয়া আসলে আপনার স্বপ্ন পুরা কে আছে ভাই হ্যাটস অফ এই লড়কি আছে শুনেছি মেরে খেয়াল আছে এক্সএল ড্রিম সাবস্ক্রাইব করিব আপনাদেরকে তোমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল তো কই মোর ইনস্টাগ্রাম হল তোমার সবে ফোন করিব তুমি মুখে গালি দিবা আপ অরুণাচল সে অরুণাচল সে কোন সা ইয়া পে অরুণাচল সে কোন থা আপ আপকো লগ নেই রে অরুণাচল ও রেতি হো বস হ্যাঁ জন্ম কাপে ওয়া ওই ইটানা অরুণাচল ইটানা করমে মাই গড বাইটো বহুত দূৰ পাইছে দেখোন কেনে গম পালা সিগনেচাৰৰ বিষয়ে মতলব হম ইয়াৰ পে আইগা বুলি তো নি আয়া থা হম কুছ অৰ কৰনে আয়া থা ফিৰ ওয়া পে হমকো নেই মিলা ফিৰ হম পাপা কে সাথ আয়া থা ফিৰ ইয়া মে মেৰা দোস্ত কাম মতলব সিখতা থা ফিৰ উসনে হমকো ইয়ে এড্ৰেছ দিয়া ফিৰ হম কিতনা দিন হো গয়া হবে এক সাল হো গয়া আৰু কেছা লাগ ৰা আচ্ছা লাগ ৰা ঠিক হা আপতি কি হো নেপালী नेपाली हो हाँ। तुम्हें कौन है नेपाली हो हाँ। वो आज बता दिया है कि सिग्नेचर इंस्टीट्यूट क्या है तो इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आपको कोई भी आपको चीज़ जानना है तो आप मुझे यार डीएम कर दो या इधर किधर भी आएगा ना वो जी टू एक्सेल वो उधर ऐसा एक माहौल मिलेगा आपको यहाँ पे आकर आप बिंदास क्लास कर सकते हो और बहुत लाइफ के लिए कुछ कर सकते हो तो ये है वीडियो आज का और इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में आप देखिएगा इसके बारे में और थोड़ा जानकारी आपको देंगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी हम करेंगे हम मधुमिता सेकिया मैम के साथ भी बैठेंगे क्योंकि आज उनका तबीयत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है अदरवाइज हम बात करते हैं उनके साथ आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन भी आज ही ढूंढ लेते लेकिन आज नहीं होगा नेक्स्ट टाइम हम कोई वीडियो में आएंगे और उनसे बात करेंगे उनसे उनसे जानकारी लेंगे कि आपकी क्या दिक्कतें हैं और आपकी दिक्कतों का सामना मैडम करेगी उनके आपके बिहाफ में मैं उनका सलूशन मैम से लेकर आपको जरूर बताऊंगा तो इसलिए आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट करते रहिएगा ताकि मैं आपको आपको आपके प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन दे पाऊँ ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था भूलिएगा मत आपको सब्सक्राइब करना है एक्सेल ड्रीम्स को थैंक यू सो मच ये सिर्फ पहला आज तो एक ब्लॉग है ना लेकिन हम लोग नेक्स्ट टाइम ब्लॉग नहीं बनाएंगे हम दूसरी तरह से वीडियो बनाएंगे जैसे कि पॉडकास्ट सबको पता है बात करते हैं जो ये वाला ठीक है तो आप लोग का जो एक्सपीरियंस है ना जो कुछ भी सीखा है तो सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा तो मैं कुछ दिन बाद फिर से आऊँगा मैं मतलब मुझे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा अभी कुछ दिन ठीक है